हाय गाइज़, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18 के अपडेट के बारे में, जो कि iPhone 13 पे मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज़, इस अपडेट में आपको iPhone 13 पे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, बैटरी हेल्थ कैसी चल रही है, बैटरी बैकअप कैसा है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और साथ में टॉप न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से आपको iPhone 13 पे देखने को मिलने वाले हैं और कौन से नहीं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। सो सबसे पहले गाइस, iOS 18 का ऑफिशियल अपडेट iPhone 13 पे 6.64 GB का आपको रिसीव होने वाला है। अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करा तो फ्री अप कर लेना कुछ स्पेस, ताकि आपका डिवाइस में जल्दी से ये अपडेट इंस्टॉल हो जाए। सो गाइस, इंस्टॉल करने के बाद मेरे को अपने डिवाइस पे तकरीबन 7 GB तक की फ्री स्पेस देखने को मिली है, जब ये अपडेट मेरे डिवाइस में कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया था उस टाइम के ऊपर। सो बैटरी हेल्थ भी आप चेकआउट कर सकते हो। बैटरी हेल्थ पुराने अपडेट में भी 91 थी, मैंने इसे अपडेट कराया 17.7 के पुराने अपडेट से। दोनों अपडेट्स आपको एक ही दिन रिसीव हुए थे, तो मैंने पहले 17.7 को अपडेट किया, फिर iOS 18 को अपडेट किया, तो 91% बैटरी हेल्थ मेरी आपको देखने को मिल रही है। तो बैटरी हेल्थ में कोई भी ड्रॉप नहीं आया iPhone 11 पे, और बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। रात के टाइम पे कम ही बैटरी ये ड्रेन करता है, तकरीबन 3 से 4% बैटरी को ही रात के टाइम पे ड्रेन कर देता है, जब इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स का इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलने वाला है आपकी सेटिंग्स की एप्लीकेशन में। और साथ में जैसे यहाँ पर सर्च के ऊपर टैप करोगे, आपको अब यहाँ पर सुजेशंस भी देखने को मिलने वाली हैं। जो एप्लीकेशंस की सेटिंग्स आप ज़्यादा ओपन करते हो, उनकी सुजेशंस टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आईफोन की स्टोरेज, आईफोन के स्टोरेज में आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो बग्स से फ्री है आईफोन 13। और साथ में बैटरी हेल्थ आपने देखी ली है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई है। तो ये भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। पहले आपको बाहर ही देखने को मिल जाती थी सेटिंग्स में, अब एप्लीकेशंस का भी एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हिडन फोल्डर भी अवेलेबल होने वाला है। जो एप्लीकेशंस आपने हाइड कर रखी होंगी वो भी आपको वहाँ पर शो हो जाएंगी। तो जैसे कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगाना हो तो वो लॉक लगा सकते हो, सिंपली लॉन्ग प्रेस करो, रिक्वायर फेस आईडी के ऊपर टैप करो, आपको फेस आईडी ऑन कर देनी है कुछ इस तरीके से, और आपको इसे डन कर देना है। आपकी ये एप्लीकेशन अब लॉक हो गई है फेस आईडी से, तो ये फेस आईडी शो करेगी, फेस आईडी यूज़ होगी तब भी आपको ये अंदर का मटेरियल शो करने वाली है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगाना है और हाइड भी करना है, तो आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, फेस आईडी को ऑन करो और हाइड की ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो, तो ये फिर से फेस आईडी यूज़ करेगा, हाइड एप्लीकेशन का नेम आ गया है, और आपको ये एप्लीकेशन आपके हिडन फोल्डर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये भी आपके फेस आईडी से ही ओपन होने वाला है, तो ये आपको ही पता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, और आप डायरेक्टली इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ऐसे तो आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, लॉक लगा सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशंस के ऊपर। आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को विजिट में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली लॉन्ग प्रेस करो, और यहाँ पर ये विजिट्स की ऑप्शन दी गई है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो मेरे को स्मॉल चाहिए, तो स्मॉल के ऊपर मैंने टैप कर दी, ये विजिट में कन्वर्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। और विजिट को एप्लीकेशन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे होम स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे, एडिट के ऊपर टैप करोगे, तो आपको यहाँ पर ऐड विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आपको विजिट्स यहाँ से नहीं, डायरेक्टली एप्लीकेशंस को ही आप विजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइज के ऊपर टैप करके आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डार्क देखने को मिलता है थीम, ऑटोमेटिक और टिंट का ऑप्शन। टिंट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, इसने ऑटोमेटिकली कलर को चेंज कर दिया है वॉलपेपर के कलर के साथ। तो आप देखते हो तो यहाँ पर पूरे मैचिंग आपको देखने को मिलेगी होम स्क्रीन के ऊपर, कोई भी आपको कलर्स में सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है iOS 18 के अपडेट में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर्स के साथ ये कलर स्कीम को यहाँ पर मैच कर देता है iOS 18 के अपडेट में। उसके बाद यहाँ पर कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि पॉज का ऑप्शन है। तो आप अपनी वीडियो को यहाँ से पॉज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ये वीडियो पॉज है, तो यहाँ से आप इसे अनपॉज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकते हो। एक और नई ऑप्शन आई है, जो कि आपको यहाँ पर एडिट मोड में देखने को मिलेगी। तो ये एक न्यू ऑप्शन है यहाँ पर टॉप के ऊपर, 3 डॉट्स के साथ वाला ऑप्शन। आपको इसके ऊपर टैप करना है, और यहाँ पर अपनी वीडियो को फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो मैंने 60 फ्रेम्स में शूट करी है, अगर 30 फ्रेम्स में मुझे चाहिए तो 30 को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। अब आपको 30 के ऊपर टिक देखने को मिल जाएगी, 30 फ्रेम्स में अब मेरी वीडियो प्ले होगी कुछ इस तरीके से।
30 फ्रेम्स में कुछ ऐसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी वीडियो। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को यहाँ पर फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो। ये आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलती हैं कैमरा की एप्लीकेशन पे। उसके बाद चलते हैं सीधा सेटिंग्स में कैमरा की, और यहाँ पर आपको साउंड से रिलेटेड न्यू ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्टीरियो, मोनो और अलाउ ऑडियो प्लेबैक। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप अपने म्यूज़िक को म्यूज़िक ऐप में प्ले कर रहे हो और साथ में आपको म्यूज़िक भी रिकॉर्ड चाहिए अपनी वीडियो में, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड करोगे अपनी वीडियो को और म्यूज़िक को बैकग्राउंड में आप प्ले कर सकते हो। आपका म्यूज़िक कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है जब आप इस सेटिंग को ऑन करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे। मेक श्योर रखें कि तब आप इस ऑप्शन को स्टीरियो के ऊपर सेटअप करके रखें, तब आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। टॉप वाला और बॉटम वाले स्पीकर्स दोनों काम करेंगे एक ही साथ। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं सीधा कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ये आइकॉन्स। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करो और यहाँ से कुछ इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर को इस नए तरीके से। और यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर को। ऐड कंट्रोल के ऊपर टैप करो, आप ये कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो अपने कंट्रोल सेंटर में, और आप रीअरेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको अपने कंट्रोल्स की पोजीशन बढ़िया नहीं लग रही है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने कंट्रोल्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। उसके बाद किसी भी विजेट को आप कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, बड़े साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। कैमरा की एप्लीकेशन को भी ऐसे आप बड़ा कर सकते हो। तो पूरा जो कस्टमाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके हाथों में है, कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है। अनलिमिटेड कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो, सारे के सारे एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के भी कंट्रोल्स अब एप्पल ने बाहर ही आपको दे दिए हैं, आप इनको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपने डिवाइस को शट डाउन कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करो और आपका जो डिवाइस है वो शट डाउन मेन्यू में चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, पावर ऑफ का बटन आ गया है और आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर सकते हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे चलते हैं, तो लॉक स्क्रीन पे आप अपने आइकॉन्स को ऐड कर सकते हो, किसी भी कंट्रोल को चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लस के बटन पे टैप करना है और ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज म्यूज़िक का भी कंट्रोल आप डायरेक्टली यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ऐड कर रखी है, तो आप सभी भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐप स्टोर। तो ऐप स्टोर की एप्लीकेशन अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है, तो ये है आपके डायनेमिक वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली जो कलर्स को चेंज करते हैं। तो ये कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज होने वाले हैं पूरे दिन में, जब रात होगी तो डार्क कलर में ये वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको डायनेमिक वॉलपेपर्स भी अवेलेबल हैं आईफोन 13 की लॉक स्क्रीन के लिए। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको व्हीकल मोशन क्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। तो इस फीचर को यूज़ करके अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि आपकी जो गाड़ी है वो राइट जा रही है या फिर लेफ्ट जा रही है। सिंपली आपको इसे ऑन कर देना है और ये जो डॉट्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपकी गाड़ी मूव करेगी राइट या लेफ्ट या एक्सेलरेट, तो तब आपको ये डॉट्स जो हैं वो मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके साथ आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी कैसे ट्रैवल कर रही है, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको आई ट्रैकिंग का भी फीचर आईफोन 13 पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है आई ट्रैकिंग, तो जैसे यहाँ पर आई ट्रैकिंग सर्च करोगे ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, बट ये जो फीचर है 30 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पर आपकी फेस को ट्रैक करता है, आपकी आइज़ जो हैं वो ट्रैक कर सकती है 30 सेंटीमीटर तक। तो ये कंडीशन है, बस आपको 30 सेंटीमीटर तक अपने डिवाइस को रखना है और आप अपने डिवाइस को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, अपनी आइज़ के साथ ही से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी यूज़र्स के मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग आई है आईफोन 13 पे या नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आपको iOS 18.1 के अपडेट में देखने को मिलने वाली है। सो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर अब आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि iOS 18.1 का अपडेट आईफोन 13 भी सपोर्ट करता है। तो ये अपडेट का साइज 6.15 GB है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नए फीचर्स आपको इस नए अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल आप आईफोन 13 को ज़रूर अपडेट करना इस लेटेस्ट अपडेट पे, क्योंकि काफ़ी नए नए फीचर्स ऐड करे हैं एप्पल ने। साथ में आई मैसेज के एप्लीकेशन में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस कॉन्टैक्ट को ये मैसेज सेंड करा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, ए के बटन पर टैप करो और ये आप काफ़ी कूल से इफ़ेक्ट के साथ अपने मैसेजेस को कुछ इस तरीके से सेंड कर सकते हो। अलग अलग इफ़ेक्ट के साथ अपने मैसेजेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।